मध्य प्रदेश में इस साल मॉनसून की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 जून से लेकर 21 अगस्त 2024 तक प्रदेश में औसत से 9 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच राज्य के कई जिलों में बिजली गिरने और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 21 अगस्त को नर्मदापुरम और जबलपुर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में अब तक औसत से 9 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई। खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 8% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इनमें रीवा, चंबल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभागों के जिले शामिल हैं। खास तौर पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इंदौर और शहडोल संभाग में भी लगभग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुए नए सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाली 23 अगस्त की तारीख तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इनमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, पाढुरना, रायसेन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना और अनूपपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। छिंदवाड़ा, पाढुरना, पूर्वी जबलपुर, पूर्वी शिवपुरी, दक्षिण श्योपुर कला और उत्तरी गुना जिलों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में खास तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते राहत और बचाव कार्य किया जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना और पाढुरना जैसे जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, शिवपुरी, दक्षिण श्योपुर कला और उत्तरी गुना जैसे जिलों में हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विशेषज्ञ अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 23-24 अगस्त को प्रदेश के 26 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इसके चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है और लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।